काली दुनिया जहां होते हैं संगीन जुर्म, मानवता को शर्मसार कर देने वाली वारदातें, चोरी, लूट, दुष्कर्म, हत्या, अपहरण और ना जाने कितने ही स्याह पहलू होते हैं इस काली दुनिया के। क्राइम रिपोर्ट। क्राइम रिपोर्ट की शुरुआत गुड़गांव से करते हैं। गुड़गांव के ओल्ड डीएलएफ में एक महिला से सरेआम एक वकील ने मारपीट की, साथ ही उसके साथियों ने महिला को जमीन पर घसीटा और कपड़े फाड़ दिए। पीड़िता का आरोप है कि मारपीट करने वालों ने कपड़े फाड़ने के बाद उसका मोबाइल से वीडियो भी बनाया। कुत्ते घुमाने को लेकर महिला से मारपीट, कपड़े फाड़ कर वीडियो बनाने का आरोप। वकील और उसके साथियों ने की मारपीट। आरोपी वकील परिवार सहित फरार। अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी इस महिला का कसूर सिर्फ इतना है कि इस महिला का नौकर अपने पालतू कुत्तों को सड़क पर घुमा रहा था, जो पड़ोस में रहने वाले वकील अजय गुप्ता को रास नहीं आया और अपने परिवार के साथ उसने महिला को पीटना शुरू कर दिया। महिला एक निजी कंपनी में एग्जीक्यूटिव सचिव के पद पर कार्यरत है। यह वारदात उस समय हुई जब महिला का पति सुरेश यादव घर पर नहीं था। महिला को सूचना मिली कि पड़ोस में रहने वाला वकील और उसके परिजन नौकर और कुत्तों को पीट रहे हैं। जब महिला वहां पहुंची तो वकील और उसके परिजनों ने उसे भी घेर लिया और सड़क पर गिरा। फौरन कार्रवाई करेंगे, एक्शन लेंगे और अभी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि हम उसको अरेस्ट करें, जितनी जल्दी हो सकता है हम उसको अरेस्ट करें। गुड़गांव जैसे आधुनिक शहर में शर्मसार कर देने वाली घटना पर पुलिस बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं दिखाई पड़ रही है कि पुलिस की लापरवाही की वजह से आरोपी फरार हो गया, इसलिए पुलिस की लापरवाही पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। क्राइम रिपोर्ट में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के होडल के गांव पिंगोंड में पुरानी रंजिश के चलते एक व्यक्ति की गला काटकर हत्या कर दी गई। मृतक गांव पिंगोंड का ही रहने वाला था। हत्या के जाने से गुस्साए ग्रामीणों ने पलवल हसनपुर रोड जाम कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस
सभी आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। वहीं कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 19 अगस्त रखी है। बहुचर्चित अपना घर मामला, कोर्ट में हुई सुनवाई, सभी आरोपी कोर्ट में पेश, 19 अगस्त को होंगे आरोपियों पर आरोप तय। हरियाणा के बहुचर्चित अपना घर मामले में कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है और अब लोगों को फैसले का इंतजार है। वहीं पंचकुला की सीबीआई कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई। मामले के मुख्य आरोपी जसवंती देवी सहित सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 19 तारीख का वक्त मुकर्र किया है। अभी उसमें चार्जेस फ्रेम होने हैं, तो क्योंकि अक्यूज काफी हैं, इसलिए इसमें टाइम लगेगा। उसमें 19-8 के लिए फिक्स कर दिए, 19-8 को चार्जेस फ्रेम होंगे। अक्यूज सारे पेश हुए थे आज, करीब 10 के करीब है अक्यूज इसमें, तो सभी आज हाजिर हुए थे और अभी अंडर प्रोसेस। फिलहाल कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 19 अगस्त की तारीख तय की है, क्योंकि पिछली सुनवाई के दौरान आरोपियों पर चार्ज फ्रेम होने थे, लेकिन आरोपियों पर आरोप तय नहीं हो सके, जिसके बाद कोर्ट ने मामले की अगली तारीख 19 अगस्त तय की है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा। Workshop and lab, advanced courses, more than 30 PhD holders and experienced faculty. For more information, log on our website. Contact us for admission. Army University, bringing ambition in life. Vikasshi, Pragatishi, Haryana number one ki asli tasveer. प्रदेश के पिछड़े वर्ग व दलितों पर हर दिन पड़ रहा अत्याचार, पर कोई सुनवाई नहीं। पुलिस हैव लाठी चार्ज द ग्रुप ऑफ दलित प्रोटेस्टर्स आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन मिर्चपुर इन हरियाणा। एक कुत्ते के भौंकने पर बूढ़े ताराचंद और उनकी अपंग बेटी जिंदा जला दिए गए। बस अब बदलेंगे हालात। होटल में बाइक चोर गिरफ्तार। चोरी की दो बाइक बरामद। पकड़ने वाला युवक घायल। पुलिस नहीं दे रही साथ। हरियाणा प्रदेश में आजकल क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। सरकार की कानून व्यवस्था लचर हो चली है। इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए। ये हरियाणा के होटल की है जहां चोरों का आतंक चढ़ कर बोल रहा है। आए दिन शहर में 2 से 3 बाइक चोरी हो रही हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन इन बाइक चोरों पर नकेल कसने में नाकाम हो रही है। ऐसा ही एक बाइक चोरी का मामला होटल शहर से सामने आया है, लेकिन ये मामला आपको हैरान कर देगा। होरल की सैनिक कॉलोनी में रहने वाले शिव कुमार के घर के बाहर खड़ी बाइक को बाइक चोर चुरा कर भाग रहा था। तभी पड़ोस में रहने वाला मोहन श्याम अपनी बाइक को लेकर चोरों का पीछा करने लगा और होरल से 6 किलोमीटर दूर जाकर चोर को पकड़ लिया गया। जैसे आवाज सुनी तो मैं वैसे ही बाहर निकला, देखा कि चोर मोटरसाइकिल भाग रहे हैं। तुम्हारे रोड पर कम से कम 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर आगे गांव पूरा के नजदीक मैं उनके संग पहुंच गया और उनके समीप आने पर उन्होंने एक की बजाय 2 मोटरसाइकिल थी उनके पास में और उन्होंने दोनों मोटरसाइकिलों से मुझे टक्कर मारी। उस टक्कर के साथ मैं गिर पड़ा हूँ, मेरे चोटें आई हैं और फिर दोनों भी उनके साथ में गिर पड़े। उनको मैंने गाँव वालों के साथ सहायता से उन्हें पकड़ लिया है और CIA वाले उनको लेके
चले गए। हमारे घर से जो हम बाइक चोरी हुई तो हम पीछे पीछे उसके चोर के पीछे भागे, और हमने चोर पकड़ने की कोशिश करी तो वो चोर आगे भागे और साथ में हमारे साथी ने पड़ोसी ने उसका पीछा किया, घोड़ा के जाकर उसको पकड़ा। लेकिन हैरानी की बात ये रही कि जिस युवक ने चोर को पकड़ा, पुलिस उसकी कोई भी मदद नहीं कर रही है। फिलहाल युवक एक निजी अस्पताल में अपना इलाज करा रहा है और इसका काफी नुकसान भी हुआ है, लेकिन पुलिस ना तो उसका इलाज करा रही है और ना ही कोई मदद कर रही है। आखिर क्या यही है प्रदेश की कानून व्यवस्था? क्या यही है कानून के रखवालों का फर्ज? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा। होडल सीआईए पुलिस ने गौ तस्करी गिरोह के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को हसनपुर चौक पर नाकेबंदी कर गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी के पास तस्करी में इस्तेमाल की गई गाड़ी भी चोरी की थी, साथ ही आरोपी पर भी चोरी के कई मामले पहले से ही दर्ज हैं। रतिया में चंदो कला गांव के पास डीएवी स्कूल की प्रिंसिपल संजय चुग पर जानलेवा हमला किया गया। हमलावरों ने संजय चुग की गाड़ी रुकवा कर उनसे मारपीट की और 45,000 की नकदी छीनकर फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरे क्षेत्र में नाकेबंदी कर हमलावरों की छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बना हुआ है, कहीं ना कहीं इस मामले में अपहरण की आशंका जताई जा रही है। परिजनों ने पुलिस में सागर की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। छात्र के पिता सतीश चौकीदार ने बताया है कि उसका बेटा सागर गांव के ही प्राइवेट स्कूल में 10वीं कक्षा का छात्र है। एक तारीख चेंज नहीं था, स्कूल में आगे बैग रखे और किसी बच्चे को बोला कि पानी पी जा, उसके बाद आया। उसके हमने एक तार रखवा दिए चौकियों में, पुलिस स्टेशन पे, सभी में, बस अड्डे पे, रेलवे स्टेशन पे, सभी रखवा दिए। तो टीम तो हमें बनाई गई जिसको ढूंढने के लिए, दो टीमें बनाई गई हैं जो इनको तलाश कर रही है।